With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. Today, I will tell you about the pericardial fluid, heart fluid. दिल के जो पानी का मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो pericardial fluid है वो है क्या. हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्मली जनरली आपकी बॉडी के अंदर ये कितनी अमाउंट में मौजूद होता है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी कंपोजिशन देखेंगे कि किन किन अज्जा से मिलकर ये जो आपकी बॉडी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड है, हार्ट फ्लूइड है, ये बनता है. एबनॉर्मली कौन कौन से माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर इस फ्लूइड में आ सकते हैं एबनॉर्मली. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टर्म पेरिकार्डियल फ्लूइड. कार्डियल इज द मेडिकल टर्म रिलेटेड टू योर हार्ट. ये हार्ट से रिलेटेड एक मेडिकल टर्म है जिसे आप कार्डियो का नाम देते हैं. Pericardial fluid is the fluid that is present outside of your heart. Layer called pericardium. तो उस pericardium layer के around ये fluid मौजूद होता है जिसे आप pericardial fluid का नाम देते हैं. Outside of your heart. तो इसका आपकी body में function क्या है? तो जब किसी भी तरह की कोई compression आती है, किसी तरह की stress आपकी chest पे होता है, तो आपके heart को protection provide करता है ये fluid. This fluid act as a कुशन. तो ये ऐसा जिसे आप बम्स का नाम देते हैं कि कुशन प्रोवाइड करता है. ये जो कंप्रेशन होती है उसको कम से कम करने की कोशिश करता है कि ताकि जो आपकी जो हार्ट ऑर्गन है वो किसी उसमें किसी तरह का कोई डैमेज ना आए. कंपोजिशन की बात कर लें तो नॉर्मली जो आपके हार्ट में जो सेल्स मौजूद होते हैं इसमें स्पेशली नॉर्मली इम्यून सेल्स इसमें मौजूद होते हैं. ठीक है, जितने भी इम्यून सेल्स हैं आपके ल्यूकोसाइट्स मैक्रोफेजेस भी इस फ्लूइड में मौजूद होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं. जितने भी अनवांटेड माइक्रोब्स आते हैं उनकी किलिंग करवाते हैं. इसके अलावा इस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन भी मौजूद होती है, ग्लूकोज भी मौजूद होती है, क्योंकि ग्लूकोज और प्रोटीन बोथ आर कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्लूइड्स. इवन इट इज योर ब्लड, इवन इट इज योर CSF, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड है तो उसमें ग्लूकोज भी अमाउंट भी मौजूद होती है. जो स्टीराइल फ्लूइड है उसमें प्रोटीन की अमाउंट भी मौजूद होती है. पैथोजेंस की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से पैथोजेंस एबनॉर्मली पेरिकार्डियम की तरफ आ सकते हैं. तो पैरासाइट्स में स्पेशल इसमें आपकी बॉडी के अंदर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड में आते हैं जिसमें ट्राइपैनोसोमा, टॉक्सोप्लाज्मा, ये जो कुछ पैरासाइट्स हैं जो आपकी बॉडी में आते हैं. इसके अलावा कोनिडीडिया, ये भी एक माइक्रोब है जो कि एबनॉर्मली आपकी पेरिकार्डियल फ्लूइड में आ सकता है. नॉर्मली 20-50 ml की अमाउंट में ये फ्लूइड आपकी बॉडी में आउटसाइड ऑफ योर हार्ट मौजूद होता है. ये 20-50 इज द लार्ज एवरेज रेशियो मीन वैल्यू. तो बच्चों में ये अमाउंट कम होगी, अडल्ट्स में ये अमाउंट ज्यादा होगी. ग्लूकोज की बात कर ले तो नॉर्मली जितनी ब्लड में आपकी ग्लूकोज होती है अबाउट एवरेज ये इसमें भी जो ग्लूकोज की अमाउंट उतनी होती है. इसमें 133 के अराउंड पर 130 के अराउंड पर मिलीग्राम पर डीएल ये मौजूद होती है. प्रोटीन्स में स्पेशल इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड अबाउट 2.4 ठीक है ना, इस क्वांटिटी में ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं इन योर पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो दिस इज जनरली अबाउट द पेरिकार्डियल फ्लूइड. जो आप पेरिकार्डियल फ्लूइड की डिस्कशन करते हैं इसमें जो मेडिकल टेस्टिंग करते हैं, स्लाइड फॉर्मेशन, माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग करते हैं, तो ये फ्लूइड है कि आपकी बॉडी ये फ्लूइड क्यों बनाती है, इसका आपकी बॉडी के अंदर काम क्या है. सो दिस वॉज अबाउट द पेरिकार्डियल फ्लूइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. गाइज थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.